गाइस करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस मजेदार ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बड़े टाइम के बाद एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने लगा हूँ। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने कहा चलो यार आज बना रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर ले, गर्मी बहुत ज्यादा, बनाने का दिल नहीं है, मगर भैया क्या करे, रेसिपी तो देनी है और डॉली साथ देगी हमारा। डॉली साथ दे चुकी है, सारी चीजें डॉली ने तैयार करके रख दी है, प्रिपेयर करके रख दी सब चीजें। अब ये कहते मैं बनाता हूँ, मैं कहा कोई नहीं मैं भी हेल्प करती हूँ। तो गाइस चिल्ला बनाया जा रहा है, बेसन का पनीर की स्टफिंग होगी, कौन कौन सी स्पाइसेस आएंगे। अभी तो फिलहाल मैं भोग के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद कुछ स्पाइसेस और ऐड करूंगा। प्याज वगैरह काटने? हाँ प्याज थोड़ा सा काटना पड़ेगा, प्याज तो जरूर काटना पड़ेगा। आप काट के अलग रख दो, प्याज वाला जो चिल्ला होगा उसका हम खुद खाएंगे, भगवान जी को बिना प्याज वाले चिल्ले का भोग लगाएंगे। और क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे अभी और बाद में कौन कौन से जाने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कुछ दालें हैं, दाल कौन कौन सी भिगोई थी आपने, जो पिट्ठी बनाई है आपने, जो कहा था मूंगी धुली चने की दाल, और मैंने अपनी मर्जी से मसर की दाल थोड़ा सा, मूंगी मसरी और चने की दाल का ना भिगो के अच्छे तरीके से पेस्ट बना दिया और तवा रख दिया। ये वाला हमारा नॉन स्टिक वाला तवा है, बहुत बढ़िया मस्त बनता है चिल्ला एकदम। मैं गाइस बैक कैमरे में आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। भाई टॉवल ला के, पहले तो गर्मी बहुत ज्यादा है। ये देखो जी दाल भिगो दी डॉली ने, अब मैं बैक कैमरे पीस दिए और मूंग मसर की दाल को भिगो कर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाया जाएगा बेसन के चिल्ले में डालने के लिए। आज देसी घी का आटे का कड़ा प्रसाद बनाया जा रहा है। भाई साहब बिल्कुल आटा देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से भून चुका है और बिल्कुल लाल हो गया है। तो इसमें पानी डालना है और चीनी डालनी है। ये देखो, ये देखो अभी वो लाल हो गया था, मिलाते रहना। ये देखो हमारा कड़ा प्रसाद बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल सॉफ्ट कर दो। बढ़िया सा कढ़ाई छोड़ दिया और बढ़िया सा आटे का। तो गाइस ये ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, बस भोग लगा के ना गर्मा गर्म खाओ तो सबसे बेस्ट है। ये हमने तवा रख दिया, अब साफ करेंगे इसको। और ये है बेसन, बेसन के अंदर फिलहाल मैंने नमक हल्दी मिर्च और हल्दी डाली हल्के से कलर देने के लिए, कसूरी मेथी डाल दी है, बस ये भोग के लिए ये तैयारी है। और ये पनीर है, पनीर में एक कसूरी मेथी नमक मिर्च हल्दी, इसमें भी ये चीज़ें सेम डाल दी है मैंने। और इसकी स्टफिंग अभी इसको ना क्रश करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्रश करके। और ये पेस्टिंग बन कर दिया पेस्ट, मूंगी मसरी की दाल है, चने की दाल है, इसका पेस्ट बना दिया, इसको भिगो के रखा था, बस ये जाएगा इसमें, ये ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, थोड़े से पकोड़े बनेंगे वो कल बनेंगे। भाई साहब डॉली बनाएगी कल पकौड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा एक कड़छी जाएगा इसमें पेस्ट के अंदर, अच्छे तरीके से इसका बैटर बनेगा। क्या हो गया, क्या हो गया, कड़ी पत्ता डाल देते तो और टेस्ट आ जाता। कड़ी पत्ता आपको शाम को तोड़ लेते ना, कड़ी पत्ता नहीं रहा, भूल गई मैं। चलो कोई बात नहीं, हींग डालेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये तो अभी निकाल दो, उसके बाद हाँ उसके बाद स्पाइसेस। तो गाइस फिलहाल अभी तो खैर ये स्पाइसेस हैं, और थोड़ा सा इसको बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें वो डालनी है वो बाद में बताता हूं। पनीर का अच्छे तरीके से मैंने पेस्ट बना दिया, और ये रहा वैसे, अभी इसको ना हल्का हल्का सा पानी पानी डाल डाल के इसका बैटर बनाएंगे बढ़िया सा। तो गाइस बस इससे ना लंप ना आए इसके अंदर, अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। और मैंने दो कड़छी है चम्मच, दो कड़छी जो ये वाली टीस्पून है ये मैंने डाल दी, टीस्पून ये कड़छी है, और ये मैंने दो बड़े चम्मच डाल दिए इसके अंदर बैटर के अंदर, बढ़िया सा एक पतला सा बैटर बनाएंगे ऐसे। और डाल दो पानी और डालता ना अभी। तो गाइस ये बैटर अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है, और इसकी ये देखो जी मैं आपको इसकी दिखाती हूँ जरा, इसकी मतलब जैसे बैटर होता है ना डोसे का, लगभग लगभग वैसा ही जो इसकी थिकनेस आएगी इतनी आएगी। और ये अच्छे तरीके से कोई भी लम्स नहीं है इसके अंदर, अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया इसको। और बस हमारा गर्म हो चुका है, अब बना चाहिए भोग के लिए मैंने बना दिया, देसी घी के अंदर बना रहे हैं डॉली करी, देसी घी में बना दे रहा हूँ ठीक है। अब एक साइड से पकेगा और दूसरी साइड से फिर इसमें स्टफिंग डालेगा। एक साइड से क्या मस्त तरीके से सिक रहा है ना डॉली, कितना अच्छा बैटर बना, बिल्कुल स्मूथ गोल एकदम बना है। और इसमें कड़ा प्रसाद भी मैंने बनाया था, पनीर की स्टफिंग कर दी अंदर से अच्छे तरीके से, अभी सिकेगा और दूसरी साइड से इसको सिक दिया। भगवान जी के लिए भोग की थाली तैयार हो गई, अब भोग वाला निकाल लिया और बहुत ही टेस्टी बना है डॉली। इसके अंदर ना लहसुन छील के डाल, शादियों में चिल्ला बनता है क्या, मस्त खाते चटनियों के साथ, चटनी भी बढ़िया है, सॉस भी है और चटनी भी है, दोनों जो ये चिल्ला बनाया जा रहा है ना भाई साहब है भी हेल्थी है, दालें पड़ी हुई है इसके अंदर, मूंग की मसरी की चने की, और क्या कहते हैं बेसन है, सारी चीजें हेल्थी हैं, पनीर है, पनीर भी हेल्थी होता है, प्याज वगैरह वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो कट करके, शिमला मिर्च प्याज सारी चीजें आप डाल सकते हो। देखो हमारे घर में ये तो काकू दिखाएगा बिना प्याज वाला,
पहले काकू के लिए बना के रख दूंगा, बिना प्याज के बिना प्याज के ही खाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो चिल्ला बनाएंगे हम, प्याज वाला बनाएंगे अपने लिए। अब सारे स्पाइसेस और कौन कौन से ऐड किए मैं बता देता हूँ। अब डॉली कह रही है भैया उसके लिए भी देखो जी, ग्रीन चिली लिया कट करके डाल देंगे। देखो डॉली ने फरमाइश कर दिया ग्रीन चिली डालनी है ऊपर, सॉसेज वगैरह इसमें। अगर देखो अगर आप चाहो ना इसको नया रूप देना चाहो तो गैस पे भी, हाँ वो नहीं नहीं मैं कर ही नहीं रहा इन केस। वैसे पिज्जा सॉस पास्ता सॉस ये बिल्कुल बेकार लगेगा। जो ओरिजिनल बनेगा ना हरी और लाल चटनी होती है, अरे लाल चटनी समोसे वाली पड़ी होगी ये भाई, ये बड़ी दोनों ही रखी हुई, ये बड़ी मिल गई है। समोसा मंगाया था उसके साथ, तो गाइस समोसा मंगाया था उसके साथ ग्रीन चटनी भी रेड चटनी भी, भाई सब प्लेटिंग भी हल्की सी हो जाएगी यार। लगता है बस हमें बनाना शुरू करूँ, बच्चों को लग रही है भूख और बस गर्मी हो रखी है बहुत मस्त वाली। अब फटाफट बनाते हैं। बैटर के अंदर मैंने डाल दिया हींग डाल दिया, अदरक डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया, लहसुन का पेस्ट डाल दिया और चाट मसाला डाल दिया, हल्के से स्पाइसेस गर्म मसाला भी डाल दिया और इसका पेस्ट भी रख दिया एक साइड से। क्या मस्त सिक गया हमारा चिला स्टफिंग होने वाली है इसके अंदर। और ये बैटर देखो, बैटर की जो थिकनेस है ना ये देखो क्या मस्त। मैं पनीर खा दूंगा भैया, मैंने इसके अंदर डाल दिया है पनीर और प्याज और थोड़ा सा स्पाइसी। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन चुका है हमारा ये चिला। अब इसको फोल्ड कर दिया मैंने, काकू को डाल दिया फटाफट जल्दी जल्दी। इसको लग रही है बढ़िया अच्छा, देखा डाल कितना क्रिस्पी बना एकदम, है ना कलर इतना प्यारा है। जाके देखे आओ काकू को कितनी अच्छी खुशबू ले रही है। पहले बच्चों को दे दो फटाफट खा, दाल और वो पनीर और बेसन की क्या मस्त खुशबू आ रही है। बहुत मस्त वाला बना है हलवा, जो प्रसाद भी बड़ा मस्त बना है ना हलवा। अच्छा बना है, चलो ठीक करिया जाओ पड़ा बच्चों। चिले हमारे कंटिन्यू बन रहे हैं और बच्चे आराम से खा रहे हैं। एक चीज की और कमी आ गई, हरा धनिया नहीं था भाई इसके अंदर, कोरिएंडर नहीं था भाई साहब। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अभी भी जो बन रहा है ना काकू मेरा, बहुत बढ़िया। हरे धनिया की चटनी बड़ी है, सॉसेस बड़ी है, पुदीने की चटनी बड़ी है, सारी चीजें बड़ी है और मगर टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा है। तो गाइस यही तरीका है बच्चों को दाले वगैरह देने का। सबसे बढ़िया चीला ये बना रहा हूँ, स्टफिंग पनीर की करो सिंपल सी, सुबह लंच में दे दो। अब ये काकू ने बोल दिया सुबह सुबह, पापा मेरे लिए बैटर रख लेना, कल सुबह सुबह मैं स्कूल में भी यही लेके जाऊंगा। अब ये है कि बच्चा चलो अच्छे तरीके से कुछ सब्जी वगैरह ये प्रोटीन वाली चीजें दालें खा तो लेते हैं। ऐसी बात है, कितना बढ़िया गोल गोल इतना बढ़िया है ना भाई साहब, बिल्कुल भी एक छिला भी इसके अंदर चिपक नहीं रहा और बिल्कुल आसानी से छूट रहा है। मैं एक बार बनाऊंगा ना आपको दिखाई, क्या क्रिस्पी वाले बन रहे हैं। मैंने स्लाइसेस वाले ना लंबे लंबे जो प्याज है वो भी डाल दिए स्टफिंग के अंदर, आपको ये डॉली के लिए बना दिया ग्रीन चिली वाला। फोल्ड करके डॉली को देते हैं क्रिस्पी बन गया। डॉली के लिए बना दिया ग्रीन चिली वाला भाई, लगातार अंदर बनते जा रहे हैं और फटाफट प्लेटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और मैं लगातार बनाए जा रहा हूँ, बच्चे आराम से बैठ के अंदर खा रहे हैं और डॉली भी खा रही है। और बन गया डॉली के लिए स्टफिंग वाला ग्रीन चिली वाला। ये लो भैया अपनी प्लेट लेकर आओ, आ जाओ फटाफट जल्दी आओ, लाइन में लगो फटाफट, तुम्हारा नंबर आ गया। फटाफट अब खत्म हो गया हमारा सीन डॉली, बस का डॉली करी में लास्ट है मैंने वो नहीं खाना। और अच्छा लग रहा है ना ग्रीन चिली का फ्लेवर आ रहा है भाई, तुम तो खा ही नहीं सकते, मैं तो मस्त लग रही है। और बस मैं अपने लिए सिंपल सा बना के बस एक और हैवी वाला उस बात करने लगा बंद, गर्मी बहुत ज्यादा है। और गाइस बस तो आप बैठो ना, मैं गरम गरम बना के देती हूं। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से बना लूंगा यार, बस लास्ट में नहीं डालूंगा, टेंशन मत ले। ना तुम खा ले। तो गाइस फटाफट हम ये खाते हैं और मिलता हूं थोड़ी सी देर में, क्योंकि भैया गरम गरम खाने में ही मजा है और टाइम बड़ा लगता है इस चीज में बनाने में। सबर का फल भी हल्का सा सीम आंच में चाहिए, मीडियम आंच में, नहीं तो अंदर से पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है अंदर से, है ना स्टफिंग वगैरह। और प्रोटीन इसके अंदर बहुत बढ़िया है, देखो पनीर में भी दालें हैं, पनीर है, दालें हैं, आप वो वाली दाल भी डाल सकते हो, एक व्हाइट वाली डाल थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, बाकी दाल मैं अभी डॉली ने डाली है मूंगी मसूरी और चने की दाल, तीनों दालों का भिगो के उसका पेस्ट बना लिया, बेसन के अंदर अच्छे तरीके से फेंट लिया, इडली जैसा बैटर स्मूथ, जैसे जैसे डोसे का बैटर बनता है ना बिल्कुल वैसे ही बना लिया। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अप्पम बन सकता है भी, हाँ सारी चीजें सुबह देखते हैं यार। इसमें नहीं, इसमें कुछ ना डालना पड़ेगा फुलाने के लिए डालना, इनो वगैरह बैटर को पतला करना पड़ेगा, वो अपने आप फूल जाएगा। तो गाइस बस इसको रेस्ट दे देना, इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था इस बैटर को, जितना आप रेस्ट देके अच्छी तरीके से फेंट होगा ना, बीटर से मैंने फेंटा था, काफी ज्यादा फ्लफी फ्लफी सा हो गया था, तो मैं बस अपने लिए बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बना रह गया, मैं अपने लिए बनाने लगा था, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। और स्मूथ बैटर कैसे है, इसके अंदर वेजिटेबल का ऑप्शन बहुत है, बहुत सारी वेजिटेबल आप स्टफिंग डाल सकते हो इसके अंदर,
स्वीट्स कॉर्न चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें डाल सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैटर को, इस तवे के ऊपर मैंने ग्रीस कर दिया था हल्का सा ऑयल। अब ये काफ़ी बड़ा सा मैंने एक बना के रख दिया भैया अच्छे तरीके से, और बिल्कुल तवे से पैन छोड़ देगा ये। जोश मैंने बड़ा बना हुआ तोलिया भाई साहब, पलटने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने टूटने नहीं दिया इसको, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ आराम से फ्लिप हो जाता है ये मेरा, इसको ऐसे करूँगा फ्लिप हो जाएगा। अभी थोड़ी को भी ये हाथ में फोन है गाते हैं, फ्लिप लेफ्ट हाथ से नहीं होगा राइट हैंड से होगा, और इसको फ्लिप करते हैं बढ़िया सा। अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो रहा है, मस्त तरीके से रेड हो रहा है। लास्ट चीज़ था इसमें जितना भी पनीर बचा था मैंने स्टफिंग सारी की सारी डाल दी, ये बैटर बच गया मैंने काकू के लिए बचा लिया सुबह के लिए, और है इसमें आराम से 2-3 चूल्हे आराम से बन जाएंगे सुबह, काकू ले जाएगा, पनीर भी हमारे पास है, और सुबह एक बढ़िया सा एक पनीर बना के अच्छे सा काकू को सुबह बनाकर मैं दे दूँगा। ठीक है जी, अब इसको करेंगे हो गया हमारा फोल्ड, अभी इंजॉय करते हैं। अपने थाली में डाल दिया है भैया, लास्ट में फटाफट करते हैं इंजॉय। अंदर एसी चल रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मिलता है भाई हमें। वैसा मस्त वाला वो करी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था भाई। हाँ तो भाई ग्रीन चिली थी बड़ी ज़्यादा। अब मेरे बैठे बैठे यही महंगा, चलो मूसली खा लेते हैं, पेट भर चुका है और दिल भी भर चुका है। मनोरंजन कर रहे मूसली खा के ना। तो गाइस बहुत ही हेल्थी वाला चीला बना, बिग बॉस देख रहे हैं बैठ के, प्लेटिंग करने का ना टाइम ही नहीं मिल पाया मैं आपको बताऊं। फटाफट तवे से आया, प्लेट में आया, प्लेट के बाद सीधा पेट में चले गया, क्योंकि बिल्कुल भी प्लेटिंग करने, सबको भूख लगी हुई थी, लेट हो चुके थे हम, तो इसलिए भैया बनाया। और इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अगर कमेंट्स करके बता देना कैसे बनाया जा रहा, गुड नाइट, बाय बाय।